अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई? मैंने बताया था ऑन द वे टू हुंजा, तो रास्ते में हुंजा आओ और रास्ते में ये चीज़ें ना देखो तो मतलब फिर मज़ा ही नहीं है ना। तो अभी हुंजा आए थे तो रास्ते में सबसे पहले तो हमने रुक कर जो ना हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा दोस्त बना है, उसका नाम है जुनैन। जुनैन इधर आओ। ये है हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुंजा में। यार हुंजा के दोस्त लोग भी बड़े वेलकमिंग होते हैं। तो अभी हम उनके होने जुनैन के जो है ना वो चेरी के बागों में आए हैं अभी। तो इन्होंने कहा है कि ठीक है हम आपको चेरी वेरी खिलाते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत मज़ा आया। तो अभी आप ये देखो, मैं आपको चेरीज दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ रही है। ये सारा चेरीज का इस वक्त बाग है और ये वहाँ से वहाँ तक है, लेकिन वहाँ पर सिलसिला है कि वहाँ पर रिहाइश है, घर है, तो हम बाद में नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये चेरी का ये वाला बाग और ये इसके बाद वाला एक पेड़ जो है ना ये ज़रूर दिखाएंगे आपको। चलते हैं चेरी के बाग दिखाने आपको। भाई ये देखो लाल कलर की चेरी, और मैंने भी लाल ही पहना हुआ है, लेकिन लुक एट देयर, सो वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत सारी चेरीज हैं, लेकिन जो है ना अनफॉर्चुनेटली ये कि हम ज़्यादा इनको तोड़ छोड़ तो नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ना चलते रोड पर, यार हुंजा की खूबसूरती तो आपको पता ही है। और ये बिल्कुल चलते रोड के ऊपर, ये देखो थोड़ी सी कच्ची है अभी, थोड़ी सी रेड हो जाएगी, और ये स्लो स्लो ये अभी पक रहे हैं और ये ही पक रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जुनैन का एक हाथ तोड़ सकते हैं हम, एक हाथ या नहीं है? तो भाई जुनैन से परमिशन लेने के बाद ये दो चेरीज जुनैन से परमिशन लेने के बाद तोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि विदाउट परमिशन आपको पता अच्छी बात नहीं होती। तो ये दो चेरीज हमने जो है ना वो तोड़ी हैं ऐसी इतने नीचे से। और यहाँ की जो है ना खूबसूरती भाई बहुत बहुत ज़बरदस्त है। जुनैन भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इस इलाके का नाम क्या? अभी हुंजा तो हम पहुँच रहे हैं, ये नासिराबाद है, ठीक है? तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, आओ चेरी वेरी खिलाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो भाई चेरी तोड़ ली, आपका भाई भी इस पर लाल लाल हो रहा है, देखो चेरी कितना। चेरी तोड़ लिए, चेरी खाते हैं। टेस्ट तो डाइट है, आपको तो असली चीज़ों का टेस्ट आया होगा। चेरी के बाग के बिल्कुल साथ जो है ना ये हमारा दोस्त जो जुनैर, इसने बोला कि भाई आपको मैं एप्पल के पेड़ भी दिखाता हूँ। एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ई, उसको लिखा दिया ना, सुनाओ ए डबल पी एल ई, दोबारा सुनाओ ए डबल पी एल ई, ए डबल पी एल ई एप्पल। इसने एप्पल की स्पेलिंग सुनाई है और ये एप्पल का दरख्त जुनैर का हुआ, तो इसको दे दिया हमने। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई एप्पल कैसे होते हैं बचपन में। देखो बचपन में एप्पल ऐसे होते हैं, ये नज़र आ रहा है आपको, बचपन में एप्पल ऐसे होते हैं, बड़े होकर रेड हो जाते हैं। और जो हुंजा के बच्चे हैं वो बचपन में भी खूबसूरत देखो अच्छे होते हैं, भाई देखो स्मार्ट बच्चा है ये, और बड़े होकर भी स्मार्ट होते हैं। तो एप्पल के बागात जो है ना ये सारे एप्पल के, ये भी एप्पल है, हाँ एप्पल है। तो ये देखें ये सारे जो है ना वो एप्पल के बागात हैं, और ये इतना नीचे नीचे लगे हुए भाई कि आप इजीली जो है ना वो एप्पल तोड़ भी सकते हो, खा भी सकते हो, लेकिन पकने के बाद। अभी तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है जो है वो जुर्म है, किसी भी जो है ना वो समझते हो ना इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट में आ जाता है छोटे एप्पल तोड़ने का। तो छोटी चीज़ें जो है ना वो एहतियात रखनी चाहिए उनकी बहुत। तो एक और चीज़ दिखाऊँ इस हुंजा की खूबसूरती के साथ, जो है ना यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी बकरियाँ भी हैं, जुनैन वहाँ जा सकते हैं बकरी के पास। आओ मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊं यार, बड़ी मतलब क्लासिकल है यार भाई। यहाँ तो मेरा तो जाने का दिल नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ सारे बागात में घूमता रहूँ। जुनैद बोलेगा कि हसन भाई को मैं थोड़ा सा आगे लाया, ये तो क्या यार क्या खूबसूरती है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये है यहाँ पे खूबसूरत सी बकरी, और खूबसूरती देखो यार बस, मतलब यहाँ की हर चीज़ जो है ना वो मतलब निराली है। और ये बकरी बिल्कुल जो है ना ये चेरी के बागात के नीचे, और ये हेलो हेलो करो, हेलो करो बेटा। तो ये अगर ये सुन रही होती बात इंसानों की तो शायद ये हेलो कर रही होती, बट फिलहाल शी कैन नॉट से हेलो हाय एनीथिंग एल्स। और ये जुनैर भाई भी अपनी मर्ज़ी से चेरी तोड़ रहे, चलो आओ। और ये देखें, ये है ब्लैक मम्बा, और वो है ब्राउन मम्बा। तो चलो भाई आज यार ये बहुत खूबसूरत है यार जुनैर, ये वाली। तो ये देखो जुनैर, हमारी फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही हैं भाई जुनैर भाई से,
तो हम उनसे बार बार फरमाइशें कर रहे हैं और वो हमें बहुत सारी चेरीज तोड़ तोड़ कर दे रहे हैं। तो इतनी सारी जमा कर ली, मैंने खिलाऊंगा नहीं किसी को, लेकिन ये मैं पहले बता दूँ क्या, तुम लोग मांगना शुरू कर दो कि भाई हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये हो गया है सारा सिलसिला, और जुनैर भाई की बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें पूरा वो घुमाया, साथ में चेरी भी खिलाई। और ये हमारे दोनों भाई राका पूछी की तस्वीरें खींच रहे थे, खींच ली इन्होंने। और अगर ये फारिग हो गए तो अब अहमद भाई के लिए चेरी है। अहमद भाई आप चेरी खाएं, ये ना गाले में आप भी चेरी खाएं। सूरत कलर की चेरी, कलर जो है ना मैं वही बता रहा था, ब्लैक होता है। कल ये ज्यादा पक जाए तो ज्यादा पक जाए, हमारे बाग में अभी काम करे वो पक गए एकदम। अच्छा तो भाई ये ज्यादा पक जाती है ना तो ब्लैक हो जाती है, लेकिन इस वक्त ये रेड में अच्छी लग रही है चेरी। अच्छा चेरी की स्पेलिंग तुमने सुनाई, चेरी की स्पेलिंग सुनाओ। वाह, तुम भी सुनाओ। बस अब ये इसकी चेरी दूसरी है, इसकी चेरी दूसरी है, दोनों की चेरियाँ चेंज है। तो एक चीज दिखाओ, राका पोशी का व्यू देख लो। और भाई ये खेत किसी के बाहर निकलाओ। अरे कोई इशू नहीं है, मेरा ये दोस्त है मेरा, पौधे मर जाएंगे ना वहाँ के। अब तक के लिए चेरी ब्लॉसम, और अब चलते हैं आगे। अब हुंजा की पहाड़ियों पर ही मिलेंगे आपसे, आज तक के लिए इतना ही। और अगर पेट में दर्द हुआ वीडियो देखने के बाद अच्छा नहीं होगा। भाई अब हम आ गए हैं जुनैन के जो है ना वो पर्सनल बाग में, यानी कि इसका पर्सनल बाग है, वो भी अपना था लेकिन उसके चाचू वाचू का था, लेकिन ये इसका अपना बाग है। और ये बता रहा था कि जब चेरी बहुत ज़्यादा पक जाती है तो वो अपना कलर चेंज करके इस तरह का हो जाती है। तो कलर चेंज होने के बाद चेरी जब ज़्यादा पक जाती है तो इस तरह की हो जाती है। खा लें जितना खाना होगा। तो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि ये वाली आप जितना मर्जी खा सकते हैं, वो इनके चाचू का था। ये बड़ी है और ये भी ज़्यादा है। ये अलग अलग नस्ल की होती है, ये दूसरी है, वो दूसरी है, ये दूसरी है। अच्छा, इसे फ्रांस कहते हैं, इसे देसी कहते हैं। ये देसी वाली मैंने बहुत खाई है, इसका चपटा बीज होता है। अच्छा भाई, ये जो दिखा रहे हैं ना ये बता रहे हैं कि ये देसी होता है, और फ्रांस कौन सी होती है भाई? ये वाली होती है। हाँ भाई फ्रांस, अब फ्रांस की भी तुमने चेरी खिलाया जरा। तो लुक एट, अच्छा साइज का फर्क होता है ना, साइज का फर्क होता है जुनैन, साइज का फर्क होता है या कुछ और भी फर्क होता है? साइज का भी फर्क होता है, टेस्ट का भी। अच्छा भाई ये फ्रांस है, इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो जो थी वो देसी थी जो हम रेड रेड दिखा रहे थे। ठीक है, खराब हो रही तुम्हारी, नहीं यहां से कल अभी ये काटना है ना, उसे काम कर रहे हैं। ये हम यहां से ब्रेक करके देखते हैं, ये खराब हो गया, ऐसे हाथ जा रहा है मेरा तो खा के देखते हैं फ्रांस। अच्छा अब ये बताओ एक और चीज, ये है कि अखरोट भी है यहां पर? हाँ भाई, इधर सारे भाई चेरी खा के तो बड़ा मजा आ रहा है। अब आपका भाई भी रेड रेड हो रहा है, बिल्कुल चेरी की तरह। ये भी अखरोट है, बहुत मजा आ रहा भाई। हुंजा और जुनैन हमारा दोस्त, ये दिस इज, ये अखरोट है। हाँ इस साल काट दिया इसको, ज्यादा बड़ा हो गया था। अच्छा, और ये वाला भी? हाँ भाई, ये जो ये जमीन भी अपनी है, ये दरख्त जो नजर आ रहा है ना ये अखरोट का दरख्त है। ठीक है, ये अखरोट का दरख्त है, इसको इन्होंने काट दिया है अभी। और ये वाली जो है ना चेरी, ये वाली चेरी इन्होंने हमें बताई थी वहाँ पर कि ये वाली चेरी कौन सी थी, देसी। हाँ ये जो रेड रेड छोटी छोटी थी ना, ये कच्ची लग रही है यार। नहीं ये फ्रांस है। अच्छा ये फ्रांस है। जो काम कर रहे हैं ना चेरी को वो भी दिखा दूँ। अरे उधर से ही चलें, चलो भाई। आप जुनैन बोल रहे हैं कि जो चेरी का काम हो रहा है ये हमें वो भी विजिट करवाएगा। यार बहुत मज़ा आया जुनैन, बहुत मज़ा आ रहा है यार तुम्हारे साथ घूमने में। और जी बिल्कुल बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है मेरे, बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ मुझे घूमने में, और ये बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। यार ये नीचे गिरी है, ये बताओ इनको उठा दें कल, इनके अंदर से वो जो सीड होता है ना वो उठा के सुखा देते हैं, उसके बाद बेच। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चेरी खाने में। बहुत मजे की यार, मैं तो बहुत सारी तोड़ के खा ली है भाई।
भी दिखा देते हैं आपको। चलते हैं भाई। अच्छा काम किस तरह होता है चेरी का? छोटे छोटे डब्बियां होता है, ठीक है ना, बराबर से चेरी बिठाते हैं उसके ऊपर, फिर चुपके से चेरी डाल के पैक कर देते हैं। यहाँ ये सारी पड़ी हुई है चेरी के भाई, ये देखो ये अंदर काम हो रहा है, ये यहाँ से आप चेरी परचेज भी कर सकते हो। खाने में मज़ा आ रहा है, मैं तो फुल मस्त चेरियाँ बन रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यार। बहुत खूबसूरत लोग हैं भाई पाकिस्तान के, गिलगित के, हर जगह के, लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप का हुस्न अखलाक अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, गिव एंड टेक का मामला है सारा, सिंपल ज़रूरी ज़रूर। अच्छा ये बताओ तुझे, ये सर की तुमने जो फिक्स किया है ये एक बॉक्स की प्राइस क्या होती है? अच्छा 300 का। अच्छा ये एक बॉक्स, ये ग्राम या कितने केजी हैं? अच्छी खासी जो है वो है, ग्राम के हिसाब से 700 ग्राम ही बता रहे हैं, 300 रुपीज की यहाँ पर। पहले इसको यूं बिठाते हैं, छोटा छोटा साइज नहीं है, काफी बड़ा साइज है चेरी का, काफी बड़ा साइज है। मुझे तो बहुत मज़ा आया चेरी का काम यहाँ पर हो रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई करते हैं सब जगह, सब जगह कराची जाता है सब, और हम कराची से यहाँ आए ये खा रहे हैं। कैसा तो ये सारा ब्लॉग था आज झंझा का, ये इस तरीके से 5-5 डब्बे करके जाते हैं। तो ये हुंजा का विलेज था एक, जहाँ पर हमने बहुत सारी चेरीज खाई भी, डब्बे भी देखे, और साथ साथ राकापोशी के व्यू भी देखे। तो अब ये जो है वो बहुत मज़ा आया घूमने में, आप लोग भी हो सकता है इंजॉय कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। चेरी ले ली है, सारी चीज़ें कर ली हैं, हाँ अब चलते हैं हुंजा की तरफ। तो आपका ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हुंजा से स्टार्ट करेंगे, हुंजा के बिल्कुल यहीं के टॉप पे पहुँच गए, अभी तो हुंजा में आ गए लेकिन थोड़ा सा पीछे, तो चलते हैं। चलो नाफ़िज़।